हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे वही परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलिए बिना देरी करिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ये 1/2 kg मैदा लिया, इसे सबसे पहले हम छान लेंगे। उसके बाद इसमें हम मोहन लगाएंगे। ये हमने 1 कटोरी घी लिया है, ये हमारा मेल्टेड घी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आप घी या ऑयल किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम देखेंगे हमारा लड्डू सा बन रहा है, तो ये आपका मतलब इसमें मोहन परफेक्ट है। देखिए इस तरह से। अब इसे हम गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें आप इसमें। इसका हमें ना बहुत सॉफ्ट डो लगाना है ना टाइट, मीडियम डो लगाना है इसका हमें, तभी हमारी गुजियाँ जो हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें और इसका डो रेडी कर लें। देखिए हमारा डो बनके रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे। एक हम कॉटन का क्लॉथ लेंगे, उसे गीला करके अपने आटे को ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए। और उसके बाद हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। यह हमने मावा लिया है, मावा या खोआ कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हमारा 500 ग्राम्स खोआ है तो हम 500 ग्राम्स ही शुगर लेंगे या फिर बूरा। अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो 1 kg के साथ 1 kg बूरा ऐड करें। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें आप। उसके बाद हम इसमें गोला डालेंगे। ये हमने गोला कस लिया था, थोड़ा मिक्सी जार में चला दिया था। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे। वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी आपकी पसंद हो। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये हमारी स्टफिंग बन के रेडी है। आइए अब अपने आटे को एक बार और चिकना कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसकी पेड़े कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी गुजियों का साइज सेम रहे जो पूरी हम बनाएंगे। इस तरह से दबाते हुए इसकी पेड़े बना लेंगे लोइयां। फिर इसकी हम पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी हमें ना मोटी रखनी है ना पतली, मीडियम रखनी है। अब हम एक एक पेड़े को लेकर उसकी पूड़ी तैयार करेंगे। कुछ गुजिया हम गुजिया के सांचे से बनाएंगे और कुछ जो है बिना सांचे के ही बनाकर हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी पूरी बिल्कुल रेडी है। अब हम ये गुजिया के सांचे पे रखेंगे और ये हमने मैदा और पानी का घोल बनाया है। ये इसके चारों तरफ लगा देंगे, इससे क्या है हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। इसकी जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फिलिंग रख सकते हैं। इस तरह से दबाते हुए आप अच्छे से दबा दें और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो बाहर निकाल दें इस तरह से। ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी है। इसी तरह से हम दूसरी गुजिया बनाएंगे अपनी। उसके बाद हम आपको बिना सांचे के गुजिया कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। ये अब हम एक पूड़ी ले लेंगे, उसके चारों तरफ ये
जो हमारा घोल है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद बीच में स्टफिंग ऐड करेंगे। फिर इसे हम अपने हाथ से ही रोल करेंगे। इस तरह से आप दोनों साइड से मिला दें इसे और अच्छे से दबा दें। फिर गुजिया का आप एक कोना पकड़ें और इसे हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएं। देखिए इस तरह से आप एक साइड से जो है पकड़ें और दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाएं, तो आप देखेंगे कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर आएगा इसका। ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी है। हमने कुछ गुजिया तैयार कर लिए हैं, आइए इन्हें फ्राई करते हैं। उसके लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल की ज़रूरत है, उसमें हम अपनी एक एक करके गुजिया ऐड करेंगे। ध्यान रहे जितनी एक बार में आपकी आसानी से आए आप उतनी ही डालें। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा गुजिया ऐड कर देंगे तो इनका फटने का भी डर है कि ये फूट ना जाए, तो इसलिए एक बार में जितनी आराम से आए आप उतनी ऐड करें। हमारी एक साइड से सिक जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे और इन्हें हल्का गोल्डन होने तक हमें सेकना है। ये देखिए हमें इसे दोनों साइड से इसी तरह से सेकना है। अगर रेसिपी पसंद आती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह से आप अपने भी गुजिया बनाकर घर पे तैयार करके रख देखें कि आपकी भी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हमारी गुजिया सीखकर तैयार हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देखिए हमारी कितनी अच्छी गुजिया बनके तैयार हुई हैं। अगर आपको भी इतनी परफेक्ट गुजिया चाहिए तो आप भी सारी ट्रिक्स फॉलो करें और टिप्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।